So, hey guys, it's me, Dheeru, Manjik. और भैया आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की, लेकिन नॉर्मल बिग बॉस की नहीं ना, टिकटॉकर्स के बिग बॉस की। So guys, इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद काफी सारे इंडियन एप्लीकेशन आए, तो उसी के जैसे उसी में से एक था, क्या कहता है, टकाटक। टकाटक वालों ने सोचा ना यार, हम उस लेवल का बवासीर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जैसे टिकटॉक पे होता था। यूट्यूबर्स को कंटेंट ही नहीं मिल रहा है जैसे टिकटॉक पे मिलता था। तो भैया उन्होंने डिसाइड कर लिया यार, देखो मार्केट में अपना नाम खराब हो रहा भाई, कुछ ना कुछ तो अभी करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये शो निकाल दिया एक फेम हाउस करके और हमें कंटेंट दे दिया। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्रेजी थिंग्स हो रही है, क्रेजी थिंग्स। तो गाइस हम आज यही शो देखने वाले हैं थोड़ा, और वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, और क्या कहते हैं, प्लीज स्ट्राइक नहीं मारना। देखो हम तुम्हारा कंटेंट यूज तो कर रहे हैं, हमें तुम मेल कर दोगे अगर दिक्कत होगी हमारी वीडियो से, हम हटा देंगे, लेकिन स्ट्राइक नहीं देना। गाड़ फटती हमारी स्ट्राइक सुनते ही। ए तू रुक जा, इसकी भी गाड़ फट रही है स्ट्राइक सुनते ही। टू एमएक्स तकाटक फेम हाउस, जहां पे है हाई फन एंड बहुत सारा फेम। तो भैया इनके जो शो का सीधा सा फंडा वो ये है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स होंगे एक घर के अंदर, 7 दिन के लिए साथ रहेंगे वो, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रामा तो होगा, क्रेजी थिंग्स तो होंगी। तूने देखा ना सबका बड़ा बड़ा है, तेरी फैंटेसी है ना, ये बोलने वाली बात है। हमारे जोकर भैया के सामने अपनी बकचोदी कोई नहीं पेलेगा भाई, अभी अभी मुंह बनाकर तुम्हारी गाड़ फाड़ देंगे वरना। ओ, तो क्या? भाई क्या मजा नहीं बोला, क्या मजा नहीं, उसने बोला, उसने बोला रिजवान की फैंटेसी है भाई, तूने बोला इतने बड़े बड़े, अरे बोला इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े की बात बोला, इतने बड़े बड़े की बात बोला। अबे ये इसकी गाड़ ना फाड़ दे वे। भैया सामने वाले चूजे को तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जोकर को जानता हूँ, और ये भाई इनने बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया, बॉडी देखो साले की, ये बेटे गाड़ फाड़ देगा तेरी एक चपत में निकल ले। अबे वो कैसे पटने से नीचे गिरा भाई, छींके की तरह गिर गया भाई, उसकी टोपी वोपी उतर गई वे। फेम हाउस, जहाँ पे है हाई फन एंड बहुत सारी बकचोदी, क्योंकि यहाँ पर भरे पड़े बहुत सारे बकचोद लोग, अच्छे खासे खड़े खड़े लौंडे को एक चपत में नीचे गिरा देंगे हम यहाँ पर। ये है फेम हाउस, यहाँ है बहुत सारी बकचोदी। हे हाय, मेरा नाम है तारिक, अरे सॉरी, ओ भाई तू सेल्फी वीडियो बना रहा है वो भी गिम्बल से, अबे हाथ में फोन पकड़ के वैसे ही नहीं हिलता है रे। देखो थोड़ा बहुत मुझे कैमरा गियर्स के बारे में पता, तो ऐसे फोन पे अपना गिम्बल लगा के तो कोई सेल्फी वीडियो नहीं बनाएगा, वो भी ऐसे करके हाथ से, ऑब्वियसली स्टेबल फुटेज आ जाएगा भाई, गिम्बल का जरूरत ही नहीं है। सृष्टि, मैं हूँ प्रकृति, और हम दिल्ली से हैं, और हम प्रोफेशनल डांसर और एक्टर हैं। ठीक है, ये ट्विंस और ये प्रोफेशनल डांसर हैं, ओके हम ये बात याद रखेंगे, और हम इनको फुल जज करेंगे इनके डांस को, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है ये प्रोफेशनल डांसर है। ठीक है, तो हम जज कर सकते हैं अभी। देखो कोई सामने वाला बंदा खुद कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो हमारे हमें जज करने का पूरा हक है। We like to play around with concepts as well in our dresses. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ फिर भी करना है, बट मजे मजे में, कोई प्रेशर नहीं है। ये साला सब मजे मजे में करके इतने फेमस हो चुके हैं, और यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते घिस के फट चुकी है हमारी, तब भी कोई भाव नहीं देता बे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, मेरे को भी टिक चोकर बनना है। शॉपिंग करना पसंद है, और वैसे मेरे फैंस को पता ही है कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। ओके, इनको टॉयज बहुत पसंद है। छोटा टॉय है जो कि मेरे से भी ज्यादा फेमस है, दैट इज कालू। ओके, इनको टॉयज पसंद है। जो इनका एक टॉय है वो इनसे भी ज्यादा फेमस है, उसका नाम है कालू। टॉय, सिंपल टॉय पसंद है उसे। बड़े बच्चों को टॉय पसंद नहीं हो सकता क्या? मुझे भी टॉय पसंद है, मेरे पास भी है, खा रखा है बेटी चो। गाइस मुझे भी टॉयज पसंद है, ये है इसका नाम, लेकिन कालू नहीं है ये सफेद है, इनका काला होगा। एटलीस्ट शो वालों को थोड़ा सा अफर्ट डालना चाहिए था, और इनके घर पे जाके इनके टॉय का फोटो लेना चाहिए था, जिससे कि मुझ जैसे खतरनाक हरामी लौंडे कुछ गलत अच्छा ठीक है छोड़ो जान दो।
कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सामने जो कैमरामैन बैठा होगा ना वो भी इसकी बात सुन के हंस रहा होगा। एक्शन बोलिए क्या क्या पसंद है आपको। मुझे शॉपिंग करना पसंद है और वैसे मेरे फैंस को पता ही है कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। मेरा एक छोटा टॉय है जो कि मेरे से भी ज्यादा फेमस है, दैट इज कालू। कालू टॉय तो मेरे पास भी है एक, उसका नाम भी कालू ही है। अश्लील है ये लोंडा। ए कैमरे, कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं, कैमरे की कालू। मैं आई हूँ MX टकाटक फेम हाउस में अपनी स्माइल, क्यूटनेस और अपनी यूनिकनेस के साथ सबका दिल जीत। हाँ, आंखों में मैंने आईलेंसेस पहन लिए, मैं यूनिक हो चुकी हूँ। ये मुझे समझ नहीं आता भाई, बस स्टाइल मानने के लिए आंखों में लेंसेज लगाने वालों का इनका सिस्टम। आपको लग रहा होगा आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं। ठीक है, तुम लग रहे हो शादीशुदा हो। आपको और शॉक सुन के ये लगेगा कि मेरा एक 6 साल का बेटा भी। बस 6 साल का, बस मुझे लगा 2-3 होंगे 10-10 साल के। मुझे हर एक वो इंसान बुरा लगता है जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है किसी भी चीज को लेके हो। सीधी बात है बहन, मैं यूट्यूबर हूँ अभी। अरे यूट्यूबर भी हमारा एक, एक्टिंग करनी है तो धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। ओह अच्छा भैया, तुम भी रील्स पे हकते हो। ओके ठीक है, वी आर ब्रोस ब्रो, वी आर ब्रोस। और इन फ्यूचर मेरे को एक्टिंग करनी है तो धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे टैलेंट का जादू आप लोगों को बहुत पसंद है। ये भैया तुमने तो एकदम एक्टिंग में मात चोद दी भैया जी, आपने तो कैमरे के सामने आप तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत बेहतरीन एक्टर है आप तो। गाइस अभी ये सारे के सारे मस्त अपना इंट्रो देके आगे बैठ गए, अभी ने 30 सेकंड के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे ये सबको इम्प्रेस कर सके। तो देखो गाइस मैं तो किसी और के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ बटर बेबीज के लिए। बस मुझे उनकी परफॉर्मेंस देख के फुल जज करना है, उनका डांस देख के। और हम प्रोफेशनल डांसर और एक्टर है। A few moments later. Rush wins. Rush wins. Yes! Yes! Butter babies आ गई, इनकी परफॉर्मेंस तो मुझे देखनी थी। तुम भी इसीलिए वेट कर रहे थे सालों, मुझे पता है मैं दिखाऊंगा ही लड़की की, ज्यादा बॉस टाइम आएगा। Yes, yes, professional dancer. No, you liars. बहुत शार्प उनके मूव्स होते हैं। ये तू भी झूठी, ये भी झूठी, दोनों बोली हम प्रोफेशनल डांसर हैं। अभी हक दे नहीं स्टेज पे चिंगादड़ की तरह आते ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लाइक लिप सिंक करनी एंड फेस एक्सप्रेशन देने, और मेरी स्माइल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। स्माइल अच्छी है बस, मुंह बत तक जैसा है ठीक है। हाँ स्माइल अच्छी है। कौन है यार ये लोग जो अपनी तारीफ खुद से करते हैं साला, मुझे समझ नहीं आता। तो अभी मुझे बहुत कुछ मिल चुका है एंड आगे भी 100% देती रहूंगी। ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ गए। ओके ओके शी इज अ नाइस डांसर, नाइस। उसकी उनकी तरह एटलीस्ट हगा तो नहीं है इसने, वो क्या नाम था उनका जो भी था, बटर बेबीज जो थी हमारी। जिसको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आई एम मैरिड और मेरा एक 6 साल का बेटा है। कितनी बार बताओगे तुम, कितनी बार बताओगे ये तो बताओ। नहीं जानना, पता चल रहा सबको देख के लग रहा तुम शादीशुदा हो, ठीक है एज है तुम्हारी ठीक ठाक। ये आपका भाई है क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है। अच्छा आप शादीशुदा हो? नहीं गिफ्ट में मुझे मिला था। नाइस कॉमेडी। इतनी सुंदर कैसे हो? कैसे हो स्वाति? तो गाइस क्या करूं मैं? शादीशुदा। वैसे तो आई डोंट नीड 30 सेकंड, 3 सेकंड्स आर इनफ बिकॉज़ मेरी स्माइल, मेरी प्रेजेंस। भाई बस 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 बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया बहन चोद, मेरे गुर्दे 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 छिलने फिर रहे हैं। अबे जो भी आ रहा है ना अपनी तारीफ के 4 शब्द कह के चले जा रहा है। मेरी स्माइल अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा ये है मेरा वो है, अजी कद्दू है। तुम है जो अपने आपको कौन सा नेता समझ रहे हो बे? ठीक है अच्छे दिखते हो मान लिया, आप क्या भोसड़े का तुम अपने 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 बारे पूरी की पूरी किताबें लिख के चले जाओगे तारीफ की। फेमस फॉर माय क्यूटनेस। ये जोकर ब्रो, यस यस, मैं भी उधर बैठा होता मेरा भी यही एक्सप्रेशन होता। चल निकल हटा, करती रहती तारीफ, मेरे को फर्क नहीं पड़ने का ना। But disappointed, seriously disappointed. I'm also disappointed. I'm also disappointed. Fan following है, कुछ तो होगा। सब झूठ है, सब झूठ है,
साहब झूठा है, अभी तुम्हारा भाई भी भाई इन सबको देख के ना मेरे अंदर सुला करिए कि भयंकर मैं भी ना मैं भी शुरू हो जाता हूँ अपना नाच गाना ज्यादा करना। ये करना क्यों, ये करना क्यों है? मेरे को वो चीज नहीं समझ आ रही, मतलब क्यों इम्प्रेस कर रहे हैं हम, किस लिए है? मतलब किस लिए इम्प्रेस कर रहे हैं? फट गई भैया की, फट गई भैया की, फट गई भैया को डांस नहीं आता, भैया की फट गई। सो स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड होगा कुछ ना कुछ सीन इनका। तीसरा एपिसोड देख रहा हूँ अभी और कुछ खास कंटेंट नहीं मिल रहा, मेरे दिमाग का भेजा हो चुका है एकदम। इन लोग का अपना अलग ही मस्ती मजाक चल रहा है, शुरू में थोड़ा सा ड्रामा दिखा देते हैं ये, फिर अपना शो रैंडम चलाते रहते हैं, बस हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता हूँ। अगर तुम्हें इसका पार्ट टू वगैरह चाहिए होगा तो तुम बता दो कमेंट में, मैं ये बाकी के दो एपिसोड भी देख लूंगा और कुछ मिलेगा तो निकाल लेंगे हम, ठीक है? सो गाइस चलो वीडियो के, वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ओके ठीक है, बाय टाटा टेक केयर। इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं।